हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शावरमा की रेसिपी देने वाली हूँ। इसे आमतौर से लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बनाना ज़रा मुश्किल होता है। आज मैं इसकी रेसिपी को बिल्कुल नंगा कर दूंगी, ताकि कोई भी कुकिंग में इंटरेस्ट रखने वाला आदमी इसे घर में बना सके। इसके लिए एक ड्राई गोश्त बनाकर तैयार कर लेना है। ये बोनलेस होगा और स्लाइसेस में या छोटे टुकड़े में हो सकता है। मैंने इसे कचरी पाउडर से टेंडराइज किया है। एक पिकल बनाना है, जो कि प्याज और बीट से हमने बनाया है। एक ग्रीन चटनी बना लेनी है। और इन सब चीज़ों को तैयार करने के बाद हमें एक फर्मेंटेड आटा बनाना है, जो कि ईस्ट से या सोडे से 2 घंटा गूंथ कर रखने से तैयार हो जाएगा। अब इन सारी तैयारियों को करने के बाद हमें इन्हें असेंबल करना है। हमने आटे में नमक, चीनी, सोडा, थोड़ा सा विनेगर और तेल डाला है। तो लीजिए जनाब, 2 घंटे बाद हमारा आटा फूल कर तैयार हो गया। अब इसकी मोटी मोटी चपाती बेल लेना है। शावरमा की चपाती में मैंने 3 हिस्सा आटा चपाती वाला और 1 हिस्सा मैदा इस्तेमाल किया है, ताकि इसे रोज भी खाया जाए तो ये नुकसान ना करे। अब यहाँ पर मेयोनीज का इस्तेमाल होता है। मैंने इसे हंग कर्ड में थोड़े से लहसुन का पेस्ट मिलाकर तैयार किया है। तैयार पिकल डालें, इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालें और लीजिए, मिनटों में बहुचर्चित शावरमा तैयार है। प्रोफेशनल तरीके से रैप करें और इसे बच्चों के हाथ में पकड़ाएं या लंच बॉक्स में डालें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।